ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट क्लास के बच्चों में करा दिया जाता है। तो ये चलिए मैं फटाफट से आपको बताती हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम बताते हैं मॉनिटर। मॉनिटर जो कि हमारा होता है डिस्प्ले स्क्रीन, जिसमें हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है और सारा रिजल्ट का हमें डिस्प्ले मिलता है। सेकेंड आता है कीबोर्ड, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम जो भी हमें अपनी स्टेटमेंट कमांड्स देनी है कंप्यूटर के लिए वर्क करने के लिए वो हम इनपुट करते हैं। नेक्स्ट आता है माउस। जो पुराने जमाने के कंप्यूटर्स होते थे उस टाइम पे माउस नहीं होते थे। ये बात बच्चों को जान के हैरानी होगी कि बिना माउस के कंप्यूटर्स कैसे चलते थे। तो पहले हमेशा सिर्फ कीबोर्ड से ही काम हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे विंडोज वगैरह नहीं आई थी, एमएस डॉस चलता था, तो उस टाइम पे कीबोर्ड से वर्क होता था। लेकिन अभी जो नए जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें माउस मैंडेटरी हो गया है। माउस के बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि विंडोज हमारी माउस के बिना नहीं चल सकती। तो माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि इनपुट के लिए एक इनपुट डिवाइस ही कहलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालना है फिजिकल फॉर्म में, हमें चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए उस चीज़ की, तो उसके लिए हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे जो भी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर वो हमें अपने हैंड पे चाहिए या हमें किसी और को दिखाना है, तो उसके लिए वो हम हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारे सीपीयू के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा सीपीयू ही आ रहा है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। सीपीयू के अंदर जहाँ भी हमारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियोस, इमेजेस, गेम्स, कुछ भी हम लोग स्टोर करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन, जो भी हम पावर पॉइंट में, एक्सेल में फाइल्स बनाते हैं, वर्ड में फाइल्स बनाते हैं, कुछ भी दोस्तों, वो सब कुछ कहाँ पे जाके सेव होता है? एक हार्ड डिस्क में सेव होता है। तभी हम कंप्यूटर लेते वक्त हमेशा हार्ड डिस्क का साइज जरूर देखते हैं कि हार्ड डिस्क का साइज कैसा है। ऐसा ना हो हम लोग सेव करते रहे और वो हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाए। इसलिए हमें एक अच्छी खासी जीबी की हार्ड डिस्क लेना जरूरी है। ये एक हार्ड डिस्क होती है जो कि सीपीयू के अंदर होती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर अधूरा है। सीपीयू में ही सब कुछ स्टोर होता है। जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू से ही होती है। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि जो भी सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के वर्क की वो सीपीयू के अंदर ही होती है, सीपीयू के थ्रू होती है। सीपीयू हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जैसे इंसान के ब्रेन से सब कुछ चलता है, इसी तरह कंप्यूटर का सब कुछ जो है वो एक सीपीयू से ही चलता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है स्पीकर्स। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे स्पीकर्स किस लिए यूज होते हैं। अगर हमें कोई म्यूजिक सुनना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई मूवी देखनी है, तो उसके लिए हम स्पीकर्स यूज करते हैं। स्पीकर्स में हम आउटपुट लेते हैं अपने ऑडियो का। अगर स्पीकर्स हम कनेक्ट नहीं करेंगे कंप्यूटर से तो ऑडियो चलेगी लेकिन हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट आता है पेन ड्राइव। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हार्ड डिस्क को सीपीयू से निकाल कर नहीं ले जा सकते, लेकिन ये पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कुछ फाइल्स अपनी स्टोर कर सकते हैं और इसको कहीं पर ले जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है आपको, तो इसमें आप सेव करके लेके जा सकते हैं पेन ड्राइव में और वहां पे जाके प्ले कर सकते हैं या फाइल्स वगैरह ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेडफोन। हेडफोन आजकल बहुत टाइप के आते हैं। ब्लूटूथ हेडफोन आता है, वायरलेस आता है, वायर्ड आता है। तो हेडफोन इसलिए यूज होता है अगर आपके पास स्पीकर्स नहीं है या फिर स्पीकर्स है ही और कोई और अगर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता आपकी म्यूजिक और वीडियो के बीच में, म्यूजिक और वीडियो की वजह से, तो आप हेडफोन यूज कर सकते हैं जो कि सिर्फ आपको ही सुनाई देंगे इसका म्यूजिक और वीडियो जो भी आप सुनना चाहते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है यूपीएस। यूपीएस मीन्स अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है और उस टाइम अचानक से पावर कट हो जाती है तो ये यूपीएस काम करता है कंप्यूटर को कुछ देर ऑन रखने के लिए। अगर आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, 5-6 पेजेस आप टाइप कर चुके हैं, उसके बाद अचानक से पावर ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी, मतलब आपका सारा काम सेव नहीं हो पाएगा। इसलिए यूपीएस लगाते हैं कंप्यूटर के साथ। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो तो वो कंप्यूटर को बचाता भी है, और अगर पावर कट होती है
तो वो थोड़ी देर तक कंप्यूटर को चलने देगा एज अ इन्वर्टर, जैसे आपके घरों में इन्वर्टर यूज होता है, सेम कंप्यूटर के लिए हम यूपीएस यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको कोई और पार्ट कंप्यूटर का आता है, आपकी नॉलेज में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए। जिसको इनके अलावा कोई और पार्ट ऑफ कंप्यूटर याद आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है शिखा अग्रवाल। थैंक यू।